नमस्ते फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ आसान तरीके से गुजराती पात्रा। वैसे पात्रा बनाने में अरबी के पत्ते में से हमें बीड़ा बनाना पड़ता है और बहुत टाइम लग जाता है, तो हम ये बनाना अवॉइड करते हैं। पर ये मेथड से हम झटपट पात्रा बना सकते हैं और टेस्ट ऐसे ही रहता है। तो इसके लिए मैंने 8 से 10 बड़े अरबी के पत्ते लिए हैं। इसको बहुत अच्छी तरीके से पानी में वॉश कर लिए हैं। सभी पत्ते हमारे वॉश हो जाने के बाद इसको कपड़े से अच्छी तरीके से पोंछ लिया है ताकि वो एकदम सूखा हो जाए। सूखा होने के बाद उसकी जो वेन्स है बड़ी बड़ी, वो सब हमें नाइफ से धीरे से काट लेनी है। बीच वाली और साइड में एक जो बड़ी रहती है वो निकाल लेनी है। बहुत छोटी छोटी है, वो कुक हो जाएगी तो उसको निकालने की ज़रूरत नहीं रहती है। इस तरीके से सारे पत्ते में से उसकी वेन्स निकाल लेते हैं। अगर आप नए हैं और मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि आपको मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके बाद हम इसके छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। वैसे ट्रेडिशनल वे में ये पूरे पत्ते में हमें आटा लगाना पड़ता है, पर ये मेथड से फटाफट हम इसके छोटे छोटे पीसेस कर लेते हैं और बनाने में टाइम भी कम लगता है। देखो, ऐसे छोटे पीसेस हमारे ये 10 पत्ते का तैयार है। अब हम 2 चम्मच गुड़ लेके एक बाउल में पानी डाल के उसको मेल्ट कर लेते हैं। ये एक तरफ रख के हम 200 ग्राम चने का आटा एक बर्तन में लेके उसमें 2 चम्मच नींबू का रस, 2 चम्मच ऑयल डाल लेते हैं। फिर इसमें हमारा टेस्ट के हिसाब से मसाला, जैसे नमक, हल्दी, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा गरम मसाला और जो हमने गुड़ का पानी जो बना के रखा है वो डाल के इसको मिक्स कर लेते हैं। टेस्ट के हिसाब से आप नींबू और गुड़ ज़्यादा कम डाल सकते हो। और हमारे जो पत्ते पीसेस छोटे छोटे हमने लिए हैं वो ये आटे में मिक्स कर लेते हैं। देखो, ये बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो गया। अब इसमें हम थोड़ा इनो 1/4 चम्मच डाल देंगे। अगर आपके पास इनो नहीं है तो आप कुकिंग सोडा भी डाल सकते हो। और तिल 2 चम्मच जितना मैंने इसमें डाल दिए हैं। आप चाहो तो कोकोनट भी इसमें डाल सकते हो। अभी इसको स्टीम करने के लिए मैंने एक थाली ली है जिसको ग्रीस करके हमने जो आटा तैयार किया है वो उसमें डाल दिया है। और हमने एक तरफ स्टीमर हमारा जो है बड़ा वाला थोड़ा पतीला, उसमें पानी डाल के उबालने के लिए रख दिया है। तो जब तक हमारी ये थाली स्टीम के लिए रेडी हो जाती है, ये हमारा पानी भी एक तरफ तैयार है। देखो, ये उबलता पानी है, उसके ऊपर हम ये थाली लगा के बंद करके रख देते हैं। 20 मिनट इसको बंद करके रख देते हैं। 20 मिनट के बाद हम देख लेते हैं कि अगर हमारा ये कुक हो गया है कि नहीं पात्रा। देखो, ये हमारा पात्रा 20 मिनट के बाद रेडी है। उसका थोड़ा ठंडा होने देते हैं, फिर इसको कट करते हैं। देखो, ये बहुत ही अच्छी तरीके से
जैसे हम ढोकला की थाली रखते हैं ऐसे ही ये स्टीम कर लेना है। टेस्ट में ये जो पात्रा बीड़ा बनाते हैं ऐसे ही रहता है, पर दिखने में ये थोड़ा अलग दिखेगा, टेस्ट सेम रहेगा और टाइम बहुत ही कम लगेगा इसमें। देखो ये हमारा पात्रा बनके रेडी है। अभी हम जो वो पात्रा बीड़ा बनाते हैं उसमें क्या करते हैं ऐसे इसको फ्राई कर लेना है। तो थोड़ा ऑयल एक कढ़ाई में हम डाल लेते हैं, इसमें राई, जीरा, कड़ी पत्ता, हींग और तिल वो डाल के ये हमारा पात्रा इसमें फ्राई कर लेते हैं। आप कोपरा, धनिया ये सब ऊपर से डाल सकते हैं। 5-7 मिनट उसको गैस पे ही मिक्स करते रहना है, थोड़ा कड़क हो जाएगा और टेस्ट में बढ़िया लगेगा। देखो यह हमारा पात्रा रेडी है। इसको आप शाम के डिनर में या नाश्ते में चटनी के अचार के साथ भी सर्व कर सकते हैं। यह हमारा आसान तरीके से झटपट पात्रा रेडी है। आप ये मेथड से पात्रा जरूर ट्राई करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।